हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव है ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइव ब्रो। तो आज हम बात करेंगे FF इमोटेड डांस एंड इमोट्स व्यूअर एप्लीकेशन के बारे में। आप इसको FF रॉयल इमोट्स एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। इसका रेटिंग पॉइंट 4.4 है, लेकिन 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। दूसरा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था 9 जून 2022 को, लेकिन अपडेट हुआ है 9 जून 2022 को ही। और इस एप्लीकेशन को यूज करने का सही तरीका क्या है, कैसे हम इसे इमोट वगैरह निकालने वाले, मैं अपनी वीडियो में आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एप्लीकेशन रियल है कि फेक है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी लाइव डेमो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक के बने रहिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। थोड़ी देर आपको वेट करना है ताकि एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर की साइड से आपको कंटिन्यू ऐप पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का सर्वर या कोई भी सर्वर आता है तो उसको क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिकली सर्वर कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर आपको वेट करना है ताकि सर्वर भी आसानी से कनेक्ट हो जाए। तो थोड़ी देर में दोस्तों सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाले हर वीडियो के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों सर्वर पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है, आप देख रहे हो। यहाँ पे नीचे साइड में आपको एग्री नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर की साइड से एडवर्टाइजिंग को हटा देना है। हटाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सिंपल उस पर क्लिक करना है और उसको एडवर्टाइजिंग को हटा देना है। यहाँ पर आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपल उस पर क्लिक करना दोस्तों। और उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग को क्लोज कर देना है। अब दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, लर्न मोर और लेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में एडवर्टाइजिंग तो उसको आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों ऊपर की साइड में तो फ्री फायर, पबजी, जोया जैसे गेम आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर जो गेम में आप खेलना चाहते हो, फ्री फायर खेलते हो या पबजी खेलते हो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एडवर्टाइजिंग को हटाना है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कितने सारे इमोट आपके सामने आ चुके हैं। अब जो भी इमोट आपको चाहिए सिंपल उस पर क्लिक करके आपको इमोट निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं बेबी शार्क वाले इमोट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं एडवर्टाइजिंग को फिर से एक बार क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद देख सकते हो यहाँ बेबी शार्क वाला इमोट आपके सामने आ गया है। अब नीचे साइड में चार ऑप्शन मिलेगी, ओपन, एक्टिव नाउ, ऐड टू फेवरेट एंड शेयर। तो आपको कर देना है यहाँ पे एक्टिव नाउ पे क्लिक। एक्टिव नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपसे ये कहेगा कि वॉच वीडियो टू अनलॉक इमोट्स। जैसे आप वीडियो देखोगे वैसे आपका इमोट अनलॉक हो जाएगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपको किसी भी इमोट को अनलॉक करने के लिए सिंपली एडवर्टाइजिंग को देखना है, वो डायरेक्टली इमोट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर से सारे इमोट निकाल सकते हैं। ये रियल है कि फेक है, आपको इसको पता चले जाएगा। जैसे आप इमोट निकालोगे, आपके अकाउंट में जाओगे फ्री फायर या पबजी के, तो आपको पता चल जाएगा उसमें वो इमोट आ जाएगा। आई होप दोस्तों कि हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप समझा दी। अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।